ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अति इंद्रिय सुख कायम रहता है, तो ये सतयुग की तैयारी है कि मेरा अखंड राज्य है ना, सदा सुख सदा शांति सदा आनंद सदा प्रेम। कभी कभी कोई हमारे ज्ञान की बात नहीं सुनता तो हमारे अंदर आता है कौन मूर्ख है, वो भी गलत है क्योंकि हम अपने आनंद को डिस्टर्ब करते हैं। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है या कोई कमी है अभी भी आपका, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है अब प्राप्त कोई वस्तु नहीं किसके खजाने में ब्राह्मण हो, इच्छा पालन और विद्या किसके लिए है ब्राह्मण देवताओं को, तो ऐसी बात है क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रहेगी तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे हो, सारा अधिकार अभी के आधार अभी के पुरुषार्थ पर है, फाउंडेशन संगम युग जड़ जैसे फाउंडेशन मकान के नीचे होती है उसमें ना बड़ी ईंट दिखती है ना बड़ी पेंट दिखता है पर पावरफुल होती है। अभी की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बना सकते। और फिर बाबा कहते हैं बहुत काल का ये स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी नहीं, अब इसको समझना जरूरी है। बहुत काल का ये अभ्यास का क्या मतलब, यज्ञ को स्थापन हुए कितने साल हो गए, तो इसका मतलब यह हुआ कि 82 ईयर वालों का तो बहुत काल का अभ्यास हो सकता है, हमारा कैसे हो ना। इसलिए इसको समझना है कि बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य के अधिकारी बनाता है, तो हमारे लिए बहुत काल कौन सा है। आप ये नोट कर लीजिए कि बाबा हमारा बहुत काल जिस दिन हम ज्ञान से आए, जिस दिन हमने बाबा की गोद ली, जिस दिन हम मध्यवा बने, चाहे 10 साल पहले बने या 20 साल बने या 10 महीने पहले बने या 10 दिन पहले बने, आपका बहुत काल तब से गिना जाएगा जैसे जन्म पत्री की लिपि हो तब से लेकर आपकी ये स्थिति रहनी चाहिए। इसलिए घबराने की बात है, बहुत काल मेरे लिए क्या है, जिस दिन से मैं आया उस दिन से मेरी आसार क्या है, मेरा झलक फलक क्या है, वो हमको ठीक करना है। तो ये अपनी चेकिंग सदा रहे क्योंकि तो अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध कम मिलती है, इसलिए बाप दादा है समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है। आप देखेंगे बाप दादा रहे या नहीं कहता, बाप दादा खिंचवा रहा है सिमलन में कहता है क्योंकि तो बाप दादा ही कटे के इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनो। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, चल तो रहा है पुरुषार्थ, तो बाबा ने कहा यथारथ पुरुषार्थ, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, ये बाबा ने टेस्ट बताया आपकी भाषा से निकलता है, ये तो हो जाएगा, ये तो कर लेंगे, ये संस्कार अविनाशी जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनने देंगे, तो नहीं करना है भाषा होनी चाहिए। बाबा कहते जो भाषा आप बोल रहे हैं एक दिन वो रियल हो जाए, अभी रिहर्सल है, अपने मुंह से कहते ना किसी को अरे खराब बात नहीं निकालो क्योंकि उसका निकलना कहीं ना कहीं असर करता, शुभ सोचेगा शुभ बोलेगा, शुभ मत को दिवाली के दिन सब घर में लिखते हैं शुभम लाभम, आजकल लाभम तरह तोड़ के लोभम लिखते हैं। इसलिए